आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मंदिर दर्शन की घंटी अवश्य बजाएं। दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म में कई करोड़ों देवी देवताओं का वास है। उनके साथ कई ऐसे रहस्य भी जुड़े हैं जिनकी जानकारी कम ही लोगों को पता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निधिवन की। हम भगवान विष्णु की कई रोचक कथाओं से परिचित हैं, लेकिन निधिवन का सच बहुत ही रहस्यमय और चौंकाने वाला है। कहते हैं शाम ढलने के बाद यहाँ जो कुछ भी होता है उसे देखने की इजाजत आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जो यह देखता है वह देखने के लायक ही नहीं रहता। यह सिलसिला कई सालों पुराना है। यहाँ तक कि इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। वृंदावन का निधिवन अपने अंदर कई गहरे राज छुपाए बैठा है। कहते हैं शाम की आरती के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहां तक कि दिन भर निधि वन में रहने वाले पशु पक्षी भी रात को यहां नहीं रुकते। दरअसल यहां हर रात को भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों संग रास रचाते हैं। दरअसल कई लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु झाड़ियों में छुपकर उनकी रास लीला देखने की कोशिश की। कईयों ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया तो कई लोगों ने अपनी जान। दोस्तों, निधिवन के अंदर एक रंग महल नाम का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण रोज रात को राधा के संग यहां विश्राम करने आते हैं। इसीलिए रंग महल में शाम होने से पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के लिए एक चंदन का पलंग, पानी का लोटा, प्रसाद, पान और देवी राधा के लिए श्रृंगार का सामान आदि रखा जाता है। मंदिर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाता है और फिर रात की आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह 5 बजे के बाद पट खोले जाते हैं तब पानी का लोटा खाली मिलता है, प्रसाद खाया हुआ मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और देवी राधा का श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। सिर्फ यही नहीं, निधि वन के पेड़ अपने आप में विचित्र है। कहते हैं यहाँ पर तुलसी के पेड़ जोड़ों में है। रात होते ही यह तुलसी के पेड़ गोपिया बन जाती है और सुबह होते ही अपना स्थान वापस ग्रहण कर लेती है। दोस्तों, ऐसे कई राज हैं जो अभी भी निधिवन से जुड़े हुए हैं। आखिर यहाँ की सच्चाई क्या है, यह जिसने भी पता लगाना चाहा वह जीवित न रह सका। दोस्तों, अगर आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो आप निधिवन जरूर चाहिए, लेकिन भूल कर भी रात के समय वहां मत रुकिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।